45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलेडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सर्मन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सर्मन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर वाला से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 220 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड प्रोटोलॉजी। आज की टीचिंग होगी यहोवा एल सिलिकॉट, यहोवा गॉड ऑफ फॉरगिवनेस, यहोवा खुदाए माफी। आज की टीचिंग के वाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा प्रोटोलॉजी में यहोवा बाप की जात में माफी देना यानी माफ करना का मुकाशवा बताएं और माफी कैसे वकूम में आती है और माफी और कफारा का आपस में क्या ताल्लुक है यह भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में मसीह की जात माफी देना यानी माफ करना का भेद बताएं कि मसीह में यहोवा एल सिलिकॉट है और दुनिया को माफ किया यानी कफारा की राह से माफी और आम माफी का फर्क भी बताएं और कलीसिया में माफी की तालीम इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन अब हम आज की टीचिंग के वाले से एक रोहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवाल के जवाब का आगाज होगा। आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा, अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर लिसन कावन से हासिल करेंगे। असेमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की क्लीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवालात पढ़ जाएंगे फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। नहमिया नौवां बाब 17 आज का बी पार्ट, पर तू वो खुदा है जो रहीम और करीम, माफ करने को तैयार और कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, सो तूने उनको तर्क ना किया। ज़बूर 32 मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदा हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। और पांचवी आयत का बी पार्ट, मैंने कहा मैं खुदावंद के हजूर अपने खुताओं का इकरार करूंगा और तूने मेरे गुनाह की बदी को माफ किया। इब्रानियों 9 बाब 22 आयत, और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए माफी नहीं होती। असेमन बिलीवर्स एंड गॉड की क्लीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी की तालीम को लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग यहोवा एल सिलिकॉट, यहोवा गॉड ऑफ फॉरगिवनेस, यहोवा खुदाए माफी। असेमन बिलीवर्स एंड गॉड की क्लीसिया यहोवा बाप की जात के हवाला से जो मुख्तलिफ टाइटल हम स्टडी कर रहे हैं और पेट्रोलॉजी के अंदर यहोवा बाप फर्स्ट अकनूम के हवाला से जितने एपिसोड किए गए हैं और आज की तालीम के अंदर गॉड ऑफ फॉरगिवनेस के हवाला से, यहोवा एल सिलिकॉट के हवाला से यानी यहोवा गॉड ऑफ फॉरगिवनेस, यहोवा खुदाए माफी यानी खुदा जो माफ करने वाला है, माफी देता है और माफी देने वाला खुदा रहीम है, करीम है। तो ये एट्रीब्यूट खुदा का मर्सी करना, खुदा का रहम करना, वो उन्हीं के ऊपर रहम करता है क्योंकि वो खुद रहीम है और जिसकी जात के अंदर रहम होता है, मर्सी होती है, वही दूसरे को माफी देता है, माफ करता है। और जब हम यहोवा एल सिलिकॉट के हवाला से यहोवा गॉड ऑफ फॉरगिवनेस की अहम एजुकेशन को लेने जा रहे हैं और नहमिया ने इज़राइल की बाबत उनके गुनाहों की बाबत इकरार किया कि किस तरीके से कौम ने खता की, गुनाह किया, और नौमा बाप नहमिया के अंदर उसके ऊपर जो मुकाशफा आता है और वह खुदावंद का जो काम करता है, होली स्पिरिट ने जिस काम के लिए उसको मुकर्रर किया ताकि वो यरूशलेम की फसील को तामीर करे, उसके अरबंगे दरवाजे और वो तमाम पत्थर जो काले हो चुके थे, मिट्टी के नीचे दबे हुए थे, उसने उस सारे पत्थरों को निकाला। और ये एक बड़ा काम नहमिया ने किया कि यरूशलेम की फसील को तामीर किया, उस फसील को तामीर किया जिसमें रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर रखने पड़ चुके थे,
वो शहर बर्बाद हो चुका था, वो शहर जिसमें हैकल थी, जिसके अंदर दाऊद बादशाह, सुलेमान बादशाह, यहूदा के बादशाह, उन्होंने बादशाहियां की, और वो कौम जिसको खुदा मुल्क मिस्र से निकाल कर लेके आया, उस सारी कौम की ब्लेसिंग। तो नहमिया नौवें बाब के अंदर वो ये इकरार करता है खुदा के रहीम और करीम होने को और माफ करने को हमेशा तैयार रहता है। ये मुकाशवा वो इज़राइल के ऊपर आया करता है, जो ऑलरेडी 34वें बाब खरूज के अंदर खुदा ने अपना इंट्रोडक्शन जब मूसा से करवाया तो वहां पर ये उसने कहा कि वो रहीम और करीम कह करने में दीमा शफकत वफा में रनी, तो लिखा हजारों पर फजल करने वाला, पता का बख्शने वाला और मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। तो वहां पर मूसा को ये कह दिया था कि वो खता का बख्शने वाला है, और मूसा के ऊपर भी ये इंट्रोडक्शन तब हुआ जब मूसा ने खुदा से कहा कि मैं तेरा जलाल देखना चाहता हूं, तो खुदा ने फिर उसको अपना जलाल दिखाया पर पीछे से, और खुद उसको ये बताया और अपने नाम का ऐलान करता रहा। तो उस नाम के अंदर यहोवा की जात के अंदर जो माफी देना है, ये अहम पहलू मूसा को बयान किया गया। पर यहां पर जो नहमिया का हवाला पढ़ा गया है, नहमिया खुरूज 34वें बाब ही का हवाला देता है कि वो कह करने में धीमा शफकत वफा में गनी और माफ करने पर तैयार, जबकि खुरूज की किताब में लिखा कि यहोवा ने जब अपने नाम का ऐलान किया तो वो ये कहता है कि वो खता का बख्शने वाला है, यानी माफ करने वाला है। तो खुदा की जात का ये एट्रीब्यूट फॉरगिवनेस, खुदा की जात का, बाप की जात का ये एट्रीब्यूट फॉरगिवनेस के हवाला से, माफी के हवाला से, ये एक अजीम एट्रीब्यूट है जो यहोवा बाप की जात के अंदर है। उसकी जात के अंदर शफकत है, फजल है, रहम पाया जाता है, और रहम करने वाला ही वो माफी का ऐलान करता है, माफ करता है। और जो क्वेश्चन पर साइमन ने किए आम माफी और माफी के हवाला से, जो खुदा की जात के हां जब वो माफ करता है, बनी इसराइल को माफ करता है, कौमों को माफ करता है, इंफरादी तौर पर इसराइल के अंदर जो गुनाह करता उनके माफ करने पर उनको माफी बख्शता, जिस तरह दाऊद ने माफी मांगी उसको माफ किया। तो ये सारे पहलू हमारे सामने है और हमें पता होना चाहिए कि फॉरगिवनेस का जो एट्रीब्यूट खुदा की जात के अंदर है, ये एक अजीम मुकाशवा है, और ये फॉरगिवनेस वही दे सकता है जिसकी जिंदगी के अंदर मसीह पाई जाती है, रहम पाया जाता है। और याकूब के खत में लिखा है रहम इंसाफ के ऊपर गालिब आता है, अगर एक तरफ जजमेंट हो मगर एक तरफ रहम हो, मसीह हो, तो मसीह माफी को क्रिएट करती है। ये मोहब्बत का दावा जो फजल के अंदर होता है, ये उसी के अंदर जो रहम और तर्स से भरा हुआ खुदा है। तो जब बाप की जात जब माफी की बात करती है तो मूसा से ये बात कही कि वो खता का बख्शने वाला है, माफी देने वाला है, यानी अगर कोई माफी मांगे, अगर कोई खता से आप हटे, अगर खुदा के हजूर अपने आप को लेकर आए और अपने गुनाह का इकरार करे तो वो माफ करने पर कादिर खुदा है। तो मूसा के ऊपर ये मुकाशवा आया था और बनी इसराइल के लिए वो शफायती दुआ करता है, क्योंकि जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर खुदा लाया तो जब ये होरब के पहाड़ के ऊपर खुदा के हजूर ये हुक्म लेने के लिए गया होता है तो 10 हुक्म यानी 2 तख्तियां ये लेकर आ रहा होता है, तो नीचे हारून की क्यादत के अंदर बनी इसराइल नीचे थे और बनी इसराइल ने बजिद होकर हारून के पीछे पड़े और हारून से कहा कि वो मूसा का तो पता नहीं कि वो कहां पर गया है। लिहाजा उन्होंने हारून की कोई बात ना मानी उसकी लीडरशिप के अंदर, और उन्होंने अपने लिए एक वहां पर बुत बनाया और उसकी वर्शिप करना शुरू कर दी, और खुदा ये सब कुछ वहां देख रहा था। और मूसा जब तख्तियां लेकर नीचे आ रहा था तो मूसा ने यशुआ से कहा जो पहाड़ के दामन में उसका इंतजार कर रहा था, ये पूछा कि ये कैसा शोर है, तो यशुआ को उस शोर का ना पता चला और वो समझने लगा कि शायद फतहयाबी के ये शादियाने हैं। तो मूसा ने कहा ये फतहयाबी के शादियाने नहीं है, बल्कि कौम ने वहां पर नाच गाना किया हुआ है, बुतों की प्रस्तुति कर रहे हैं, और उसे वो जो तख्तियां लेके आया था
वो रास्ते ही में तोड़ दी, और जो वो आकर बनी इसराइल के दरमियान हारून से कहने लगा ये तूने कैसा काम किया। तो फिर वहां पर खुदा के हजूर ये दोबारा फरियाद करता जाकर, फिर अहकाम लेके आता है और जिन्होंने बुत परस्ती की ये लावी लोग सब मिलकर इन्होंने उन तमाम बुत परस्तों को कत्ल किया। खुदा की बड़ी गैरत वहां पर दिखाई और खुदा के हजूर ये कहा जाकर कि खुदा इनको माफ कर दे। तो खुदा ने कहा जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसको माफ ना करूंगा, पर मूसा की शिफायती दुआ से, मूसा के कहने से खुदा ने उनको माफ किया, यानी वो खता का बख्शने वाला है। इतना बड़ा गुनाह बनी इसराइल ने उस बैल की प्रस्तिश की, उस देवता को बनाया वहां पर, और हारून वहां पर उनको बास करने लगा, पर उन्होंने हारून की एक ना मानी और अपने लिए बछड़ा बनाया उसकी वर्शिप की। तो ये गुनाह उनसे हुआ, हालांकि लावियों ने मिलकर मूसा के साथ उनको मार भी किया, तो भी खुदा के हजूर मूसा जाता है और उसे कहता है कि कौम को माफ कर दे, और खुदा किसी तरह माफ करने के लिए तैयार ना था, पर मूसा की शिफायती दुआ की वजह से खुदा ने उस कौम को उनके गुनाह को माफ किया। तो ये जो उस वक्त माफी दी गई, हालांकि वो माफी के लायक ना थे, उनको मुख्य मिस्र से छुड़ा कर लाया था, फिरौन को कुदरत में डुबोया और तमाम मुल्क मिस्र का सत्यानाश कर दिया। तो इतना बड़ा फजल खुदा यहोवा ने मूसा की क्यादत में बनी इसराइल के ऊपर किया, मिस्रियों के ऊपर आते आई, इसराइल को खुदा मिस्र से निकालकर मुल्क कनान की तरफ ले गया। मगर इन्होंने इतना बड़ा यहाँ पर जो घिनौना काम किया, बुत परस्ती की, तो खुदा नाराज हुआ, पर तो भी मूसा के कहने से उनको माफ किया। तो ये माफ करना, ये खुदा की जात के अंदर फॉरगिवनेस की इतनी बड़ी क्वालिटी है कि माफी मांगेगा तो खुदा माफ करेगा, वरना गुनाह की सजा हलाकत ही होती है। जैसे आदम हवा ने गुनाह किया तो उनको माफी तो नहीं मिली, उनकी सजा वकूक के अंदर आई और वो मौत का शिकार हो गए। खुदा के दरमियान भी जुदाई और जिस्मानी रूहानी और अब्दी जुदाई वकूक के अंदर आई, तो पहले आदम के गुनाह की वजह से बनी नौ इंसान के जो गुनाह आया, पर यहां पर जो माफी के हवाला से खुदा की जात के अंदर ये माफी का जो एटीब्यूट पाया जाता है फॉरगिवनेस के हवाला से, कि बाप माफ करता है और बेटा भी माफ करता है, बाप का माफ करना ये आम माफी के अंदर आता है, पर ये बहुत बड़ा ये फजल है, ये रहम ही है जिसकी वजह से माफ करके वो दरगुजर करता है, यानी कहर करने में धीमा है और शफकत वफा में गनी है, खता को बख्श देता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि बाप जो खता बख्शता है वो हमेशा के लिए बख्शी गई, वो खता का बख्शना, वो माफी, वो मसीह यसु में आकर होती है, जो कफारे की राह से होती है, और जो हवाला पढ़ा भी गया इब्रानियों 9 बाप में कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है, वो माफी का ताल्लुक ब्लड के साथ है, कफारा के साथ है, पर माफी का ताल्लुक मसीह के साथ है, रहम के साथ है। रहम के साथ भी माफी का लिंक हमें बाइबल में मिलता है, और कफारा की राह से ब्लड के साथ भी माफी की जो तालीम हमें बाइबल में मिलती है। जब हम माफी की बात करते हैं, जब हम माफ कहने की बात करते हैं कि खुदा ने मुझे माफ किया, तो मसीह में माफी पाना कफारा की राह से, ब्लड की राह से, जो मसीह ने खून बहाया। जब ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बनी इसराइल माफी मांगते थे, दाऊद ने माफी मांगी या उन्होंने कोई खता की, तो खुदा का माफ करना वो एटर्नल फॉरगिवनेस के अंदर नहीं आता था, यानी बाप भी माफ करता है, ये मानी आज की इस तालीम के अंदर है, बेटा भी माफ करता है, इसलिए बाप देता है माफी, इसलिए देता है कि वो अब्दी माफी तो नहीं ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर थी, माफी मांगने वाले को खुदा माफ कर देता, पर बाज़ जगह पर वो अपने नाम के खातर स्टेप लेता, अब्राहम इसहाक याकूब से जो वादा किया होता वो रिहाई देता, उनको माफ कर देता। पर खुद 34 बाब के अंदर जो हमें तालीम मिलती है, तो वहां पर जब उन्होंने बछड़ा बनाया और उन्होंने गुनाह किया, तो उसकी माफी के लिए मूसा को खुदा से कहना पड़ा, यानी खुद मूसा शिफायती दुआ करता है और उनको माफी मिली, और मूसा ने उन बुतप्रस्तों को हलाक भी किया, यानी सजा भी दी गई। तो खुदा माफ करने वाला यकीनन है, पर उनको जो माफी मांगते हैं,
या कोई रकबों में खड़ा हो शिफायती दुआ करे और खुदा उसके बिहाव के ऊपर कौम को या उस शख्स को माफ कर देता है। मगर ये माफी खून के साथ माफी का ताल्लुक यहां नहीं है। जब इब्रानियों में यह लिखा गया कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है, तो इसमें जजमेंट का होना और फॉरगिवनेस का मिलना ये एक अहम जो तालीम का बाइबल के अंदर है। मगर ये एक आम जो फॉरगिवनेस है, जब बाप माफ करता है तो वक्ती तौर पर उनको माफी मिलती है, पर वो सजा जरूर देता है, यानी मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करता, पर कहर करने में धीमा है, यानी दरगुजर कर जाता है, पर माफी के लिए, मुकम्मल माफी के लिए खून का बहाया जाना लाजमी होता है। और जब मैं आप किसी को माफ करते हैं तो ये जनरल एक दूसरे का कसूर माफ करना, जिसके अंदर एक मसीह रहम ही पाया जाता है, ताकि वो खुदा के हजूरी के अंदर आए और अपने आप को ठीक लाइफ के अंदर पसंद करे। और एक ईमानदार भी खुद माफ करने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब आप खुदा के लिए पालिक बेटे बेटियां हैं तो हमारे अंदर फॉरगिवनेस की वही क्वालिटी होनी चाहिए। मगर जो माफी ब्लड के साथ जिसका जिक्र है, वो क्राइस्ट की फॉरगिवनेस के साथ ताल्लुक है। जब पेट्रोलॉजी के अंदर हम बाप की जात के अंदर माफी देखते हैं तो वो कहर करने में धीमा है, यानी खता को बख्श देता है, तो अगर वो फिर करेगा तो फिर वो सजा पाता है, यानी उस खता को, उस गुनाह को। तो बाइबल में बार बार मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, कौम के अंदर इंफरादी तौर पर खुदा ने माफी बख्शी। तो कौम की जब हम बात करते हैं तो एक तो बछड़ा जब बनाया गया, मूसा के कहने से माफ तो किया, पर साथ ही साथ सजा भी उनको दी गई, और लावियों ने मूसा के साथ मिलकर उनको कत्ल किया, तब खुदा का कहर ठंडा हुआ, तो भी खुदा ने वो जो बछड़ा उन्होंने बनाया था, जो कौम को वो आगे लेकर नहीं जाना चाहता था, खुदा ने माफी दी और फिर मूसा को कहा कि ठीक है कि वो कौम को आगे लेकर चले मुल्क कनान में, पर खुदा वहां ही उसको रोक देना चाहता था। फिर हम फिर देखते हैं कि होरब के ऊपर जब अहकाम मिल जाते हैं, तो ये मुल्क कनान का जब ये सर्वे करते हैं, तो उस सर्वे के अंदर भी 10 लोगों ने जो गए थे उन्होंने आकर नेगेटिव रिपोर्ट दी। 2 लोग मूसा के साथ जो यशुआ कालेब थे, उन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी कि मुल्क कनान को खुदा ने हमारे हाथ कर दिया है, वो तमाम जब्बार, वो सारी कौमें वो कांप रही है, वो जाती रही है। तो ये पॉजिटिव रिपोर्ट उन्होंने आकर मूसा को दी, पर 10 लोगों ने जो सर्वे करने गए थे, वो 10 कबीलों में से उनके 10 लीडर, उन्होंने आकर बनी इसराइल की मजमुई तादाद को, यानी पूरे 10 कबीलों की कौम को ये कहा कि वो आगे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने फिर खुदा का गुनाह किया, तो खुदा ने कहा कि यहां ही मार दूंगा। और फिर जब बनी इसराइल मुल्क कनान की तरफ रवाना होने लगे, तो ये जिनको खुदा ने कहा कि मैं इनको यहां ही मार दूंगा, तो वो फिर चलाए और मूसा से कहने लगे कि खुदा से दरखास्त करके वो हमें हमारा गुनाह माफ कर दे। तो मूसा ने फिर खुदा के हजूर गिरियाजारी की और खुदा को ये कहा कि कौम को माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते, अगर तू इनको मार देगा तो गैर कौमें क्या कहेंगी कि इनका खुदा इनको मुल्के मिस्र से निकाल तो लाया, पर रास्ते में इनको मार डाला। पर खुदा ने मूसा को कहा, नहीं, इन्होंने खता की है, मैं इनको मुल्क कनान में हरगिज नहीं लेके जाऊंगा। मूसा की दुआ जो सुनी गई, उसका ये रिजल्ट के खुदा ने कहा, पहली बात कि जिन्होंने खता की है ये बियाबान ही में इनको मार दूंगा, मुल्क कनान में नहीं लेके जाऊंगा, पर एकदम नहीं मारूंगा, पर आहिस्ता आहिस्ता इनको बियाबान ही के अंदर हलाक कर दूंगा। तो जितने खता करने वाले वो ओल्ड लोग थे, उनकी जनरेशन तो वो मुल्क कनान में जाती है, मगर वो सब हलाक हो जाते हैं, मगर एकदम में हलाक नहीं करता। माफी का ये रवैया कि खुदा ने माफ तो कर दिया, पर सजा उनको दी गई, यानी जजमेंट उनके ऊपर ही थी, खुदा का गजब उनके ऊपर ही था, पर ये माफी उनके ऊपर वक्ती तौर के ऊपर ये टल गई कि एकदम ना हलाक हुए। वो 40 साल बियाबान के अंदर रहे, तो 40 साल में आहिस्ता 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 वो सारी नस्ल जिन्होंने गुनाह किया था वो मारे गए, हलाक हो गए। माफी की वजह से ये वक्ती तौर पर खुदा का गजब टल जाता। तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, पेट्रोलॉजी के अंदर, बाप जो खता बख्शता है,
खता जिसकी बख्शी जाती है, जो उस खता की जो उसने की होती है माफी मिल जाती है, और फिर आगे चलकर जो कुर्बानियों के अंदर बताया गया कि वो किस तरीके से खता और जुर्म की कुर्बानी लेकर आए और किस तरह उनकी खताएं माफ होंगी, तो ये कफारा के अंदर ब्लड के अंदर उनके माफी के हवाले से उनको तालीम दी और उनकी नपाक किया, उनके गुनाह किस तरीके से माफ होंगे, यानी शरीयत की जो किताबें हैं जिसमें सारे लॉज लिखे गए, तो खुदा ने उनको तरीकेकार बताया कि कैसे माफी उनको मिलेगी। पर जैसा मैंने बताया कि जब बछड़ा बनाया माफ तो कर दिया, मगर उनको हलाकत का भी सामना करना पड़ा। फिर इसी तरह जब वो सब करने गए उनको खुदा ने माफ तो कर दिया, पर मुल्क कनान में उनको लेकर नहीं गया, न्यू जनरेशन मुल्क कनान में गई। अब जब नहमिया बात कर रहा है माफी के हवाला से और खुद 34 का हवाला दे रहा है कि खुदा माफ करने को हमेशा तैयार रहता है, तो वो अब असीरी के बाद का पीरियड जिसमें वो हैकल की दीवार की तामीर करता है, उस वक्त वो ये बात करता है जब हैकल की दीवार को वो 52 दिनों के अंदर तामीर करता है, तो ये एक बड़ा विजन, एक बड़ा बोझ नहमिया के अंदर था, और वो ये जानता था कि बनी इसराइल के गुनाह की वजह से फसील के अंदर रखना पड़ा और किस तरह कौम असीरी के अंदर गई और किस तरह अजरा की क्यादत में फिर ये वापस आते हैं और किस तरह नहमिया वो दीवार बनाता है और किस तरह गैर कौम के लोग सुमरत तुबिया वो दीवार बनने ही नहीं देते, वो चाहते हैं कि यहूदी कौम इसी तरह ये तितर बितर रहे और ये अपने शहर के अंदर अपने मुल्क के अंदर आबाद होने ना पाए, ये हैकल को रीबिल्ड करने ना पाए, और वो हर तरह से वो बादशाह को भी अगेंस्ट कराने की कोशिश करते। पर नहमिया के ऊपर खुदा का रूह था और उसने बड़ी मेहनत के साथ इसराइल को साथ मिलाकर उसने सारी फसील के रखने बंद कर दिए, सारी दीवार की मरम्मत की, और ये दीवार हर कबीले ने हर शख्स ने एक हाथ में तलवार एक हाथ में अपना औजार लेकर वो उन पत्थरों को निकालते, मिट्टी के बड़े बड़े ढेर उन्होंने हटाए, और वो दीवार जब बना दी गई तो फिर नहमिया ने शुक्रगुजारी की, उस दीवार को मखसूस भी किया, हैकल की कोठरियां भी बनाई, ईद फसा भी बनाई। तो नहमिया एक बड़ा विजन वाला शख्स था, उसने उस दीवार के रखनों को बंद किया, तामीर की, और तामीर करने के बाद वो एक एग्रीमेंट करता है खुदा के हजूर, तमाम जितने कबीलों के लीडर है उनको साथ लेता है और एक प्रेयर उठाते हैं, और प्रेयर के अंदर वो खुदा के सारे एट्रीब्यूट, खुदा के सारी क्वालिटीज, खुदा के सारी मर्सी, खुदा के सारी मेहरबानियां, वो काम जो मिस्र से लेकर वो करता आया और मुल्क कनान के अंदर बादशाहों को हलाक किया, बियाबान में कैसे मन खिलाता आया, वो सारी शफकत का बयान इस नौवें चैप्टर के अंदर जो नहमिया वो बयान करता है उसमें वो गुनाह का इकरार करता है कौम के साथ मिलकर। उससे पहले वो फसील को बना चुका होता है, तो वो जब ये जानता है कि ये काम तो खुदा ने कर दिया है, पर तो भी कौम के लिए माफी मांगता है, तो भी लीडर्स को साथ लेके खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाता है कि खुदा माफ कर दे। इसी तरह डैनियल भी जब 70 साल की सीरी मुकम्मल हो जाती है तो वो खुदा के हुजूर गिरियाजारी करता है कि खुदा कुछ कर और कौम को रिहा कर दे, तो वो भी माफी मांगता है और कौम के गुनाह का इकरार खुद करता है कि कौम ने खता की, हालांकि उसकी सजा भी वो पा चुके होते हैं। तो यहां पर माफी का कॉन्सेप्ट यही है कि खुदा से माफी मांगी जाएगी तो वो माफ करता है पर सजा भी देता है, वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करता। अगर कौम असीरी में गई तो वो असीरी में वापसी जब होती है तो नहमिया दुआ करता है तो रेस्टोरेशन उनकी होती है और वो बहाल भी होती है, पर उससे पहले जब वो नहमिया आकर दीवार को बनाता है तो नहमिया दीवार तो बनाता है वो विजन से जो खुदा ने उसको दिया, पर वो खुदा के जरूर गुनाह का इकरार भी करता है और गुनाह का इकरार करने के लिए गुनाह का जब इकरार करता है तो वो माफी के एट्रीब्यूट को हाईलाइट करता है कि खुदा इनको माफ कर दे, तो हमेशा माफ करने पर तैयार है, इन्होंने तो बहुत गुनों ने काम किए हैं, इन्होंने तुझे हमेशा रद्द ही किया है, इन्होंने तो हमेशा बुतों की प्रस्तुति की है, तुझसे दूरी बनाए रखी, पर अब ये फसील बनाई है हमने, हैकल के रखने बंद किए हैं, तो खुदा हम इकरार करते हैं। और सब ने मोहर लगाई, दस्तखत किए, साइन किए
कि खुदा अब हम गुनाह नहीं करेंगे, तेरे अहकाम को फॉलो करेंगे, तो खुदा ने नहमिया की जो दुआ थी उसकी दुआ में ये जो माफी का अंसर पाया जाता था कि खुदा की जात को वो जानता है, और यही वजह है कि उसको माफी मिली। और फिर आगे चलकर फिर ज़ोरे बाबल की क़यादत के अंदर हैकल रीबिल्ड हो जाती है, यानी खुदा उनकी खता को माफ कर देता है। तो ये अहम एटीब्यूट खुदा की जात के अंदर जो अहम एटीब्यूट फॉरगिवनेस के हवाला से, माफी के हवाला से, तो कौम के हवाला से मैंने बयान किया। पर जब हम दाऊद को पढ़ते हैं, जब हम सुलेमान को पढ़ते हैं, तो दाऊद से जब खता हो जाती है, जब उसे खुदा के खिलाफ गुनाह किया, बदी हो जाती है, तो वो खुदा की हुजूरी में सबसे पहले गुनाह का इकरार करता है और लिखता है कि खुदा मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूं, मेरी खता मुझे माफ कर दे। और वो कफारा की राह से ये कहता है कि खुदा मुझसे बदी हुई है, और फिर कहता है मुबारक है जिसके गुनाह ढांके गए। वो इस सारी बात को समझता है, मगर माफी मांगने से उसको माफी मिल जाती है, और वो फिर ये इकरार भी करता है, कहता है कि खुदा के हुजूर मैंने जब अपनी खता का इकरार किया तो उसने मुझे माफी बख्शी। तो दाऊद को खुदा माफ कर देता है, और इस माफी के पीछे उसका रोना गड़गड़ाना, और उसके अंदर ये जो कॉन्सेप्ट उसने दिया कि मुबारक है जिसकी खताएं ढांपी गई, यानी खुदा जब किसी की खता बख्शता था ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, यानी बाप यहोवा की जात वो माफ करने वाली तो है, पर वो ढांपे नहीं जाते खता, वो खता के साथ सजा का होना भी होता है। पर जब दाऊद अपनी खता को खुदा के यहां लेके आता है तो वो सजा से बच जाता है और उसका गुनाह ढांका जाता है। हालांकि कफारे में खून बहाया जाता है, पर ये कफारे ही की लैंग्वेज के अंदर कहता है कि मेरे गुनाह खुदा ने ढांक दिए हैं, यानी वो अब उनको फिर याद नहीं करेगा। तो दाऊद का ये माफी मांगना, ये एक आम माफी जो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर यहोवा बाप की जात इज़राइल को देती आई, पर सजा भी देती थी, और वो बियाबान में हलाक भी कर दिए गए, पर वक्ती तौर पर माफ कर देता, पर ये माफी उसके अंदर पाई जाती है तो ही माफ करता है। पर यहोवा की जात के अंदर जो माफी देने का, मर्सी देने का जो प्रोग्राम था, वो न्यू टेस्टमेंट के अंदर वो बेटे के जरिए से माफ करना चाहता था, मगर माफी की झलक वो दिखाता ही आया। और फिर जब हम सुलेमान को पढ़ते हैं, तो सुलेमान अपने बाप से जो तालीम हासिल करता है, तो जब ये हैकल को बना लेते हैं, तो ये एक अहम काम जो सुलेमान करता है वो यही खुदा के हजूर बात रखता है कि ऐ खुदा, अगर तेरे लोग किसी किस्म का गुनाह करे, तेरे गुनहगार हो, और अगर वो हैकल की तरफ रुक करके दुआ करे, तो तू उनके गुनाह को माफ कर देना और उनके मुल्क को बहाल कर देना। तो ये एग्रीमेंट, ये अहद जो सुलेमान ने खुदा के साथ बांधा, तो दाऊद से ये तालीम हासिल उसे की, और खरूज 34 बाप की तालीम जो मूसा ने बयान की, तो सुलेमान के पास भी ये बात थी कि वो यहोवा की जात को फॉरगिवनेस के अंदर देखता है कि यहोवा खुदाए माफी है, यहोवा एल सेलिखोत है जो माफ करता है, उसकी जात के अंदर फॉरगिवनेस है, और फॉरगिवनेस वही देता है जो रहम करता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर उसका रहम हमें गुलामी से छुटकारे के अंदर मिलता है, मुख्तलिफ और इंफरादी तौर पर वो माफ कर देता है, मगर जब हम न्यू टेस्टमेंट के अंदर आते हैं, वहां पर जो पौलुस रसूल वर्स लिखता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है, पर हमें पैट्रोलॉजी के अंदर या वह बाप की जात के अंदर फिर हमें माफी, आम माफी का फर्क पता चल जाता है कि जो एटर्नल फॉरगिवनेस है, जो यहोवा बाप की जात के अंदर प्रोग्राम है, वो बेटे के जरिए से तकमील पाया, या शरीयत के अंदर जो खता और जुर्म की कुर्बानी के अंदर खून बहाया जाना, उसके जरिए से एक साल की माफी थी। तो वक्ती माफी, एक साल की माफी, और फिर अवधि माफी, ये सारी दर्जाबंदियां हमें मिलती है, पर ये सारी फॉरगिवनेस यहोवा बाप की जात है जो माफ करने वाला है, तो उसे अपने बेटे के जरिए से अवधि प्रोग्राम बनाया, जिसके ऊपर मैं दूसरे सवाल में बात करूंगा। पर जब मैं दाऊद की बात कर रहा, फिर जब सुलेमान की बात कर रहा हूं, तो सुलेमान ने जो अहद बांधा खुदा की बारगाह में, खुदा के हजूर यही बांधा कि अगर तेरे लोग अगर गुनाह करे,
और असीर होकर ये दूसरे मुल्क में चले जाए और वहां से भी अगर हैकर की तरफ रुख करके दुआ करे तो उनके गुनाह को माफ कर देना और आसमान खोल देना। अगर आसमान से बारिश ना हो, अगर जमीन के ऊपर पैदावार ना हो बनी इसराइल की खता गुनाह की वजह से, पर अगर तेरे लोग तेरे हजूर इकरार करें, अपनी खता अपने गुनाह की माफी मांगे, तो तू इनके गुनाह को माफ कर देना और इनके मुल्क को बहाल कर देना। तो सुलेमान के हाँ जो एग्रीमेंट बांधा गया तो खुदा ने कहा ठीक है कि अगर मेरे लोग मेरी खता करें, मेरा गुनाह करें, पर अपने गुनाह से माफी मांगे, अपने गुनाह से माफी मांगेंगे, तो मैं इस एग्रीमेंट के मुताबिक जो तूने इस हैकल के अंदर बांधा है, मैं इनकी दुआ को सुनूंगा और अपना कैद हटा लूंगा। सुलेमान जी अहद बांधता है, वो चूंकि यहोवा बाप की जात को साली खोट जानता है कि वो यहोवा माफी है, वो फॉरगिवनेस देता है, गॉड ऑफ फॉरगिवनेस है, और गॉड ऑफ फॉरगिवनेस का होना ही वो जानता है जो गॉड ऑफ मर्सी को समझता है, उसके रहम को समझता है, उसके लव को समझता है। तो सुलेमान दाऊद के यहां जो लव पाया जाता है खुदा की जात के लिए, और वो अपने लिए भी जब खुदा से माफी मांगते तो खुदा ने उनको माफ किया, जैसे दाऊद को माफ किया इसी तरह सुलेमान को भी माफ किया। सुलेमान को खुदा ने इतनी विजडम दी, खुदा ने सुलेमान को इतना नॉलेज अंडरस्टैंडिंग अता की, और जिस तरह मैंने बताया खुदा के हजूर एग्रीमेंट भी उसने बांधा और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और दुआ के जवाब में ये कह दिया कि अगर मेरे लोग इस शहर के अंदर हो या किसी और जगह पर असीरी में भी चले जाए और वहां से ये हैकल की तरफ रुक करके दुआ करें तो मैं इनके गुनाह को माफ कर दूंगा। तो वो माफी देने वाला खुदा सुलेमान ने चूंकि जानता था, एग्रीमेंट बांधा, अहद बांधा, और वो यहोवा बाप की जात को कि वो माफ करता है, माफी देता है, यहोवा माफी है, फॉरगिवनेस उसके अंदर है, गॉड ऑफ फॉरगिवनेस है। तो खुदा ने माफी का ऐलान किया क्योंकि वो माफी देता है, और यही सुलेमान चाहता था और जानता था। और जब हम असीरी में देखते हैं तो सैदक मेशेक अब्दनजू को देखते हैं, डैनियल को देखते हैं, तो डैनियल हैकल की तरफ खिड़की खोलकर दिन में तीन बार वो दुआ करता था। तो हैकल की तरफ रुख करना, ये वही बात जो सुलेमान ने एग्रीमेंट बांधा था, डैनियल लोगों को पता था, डैनियल लोग खुदा के साथ चलते थे, और बाबल जैसे मुल्क के अंदर, बुतपरस्त नेशन के अंदर, वहां पर ये खुदा का डर मानते थे और उनके किसी खौफ में नहीं आते थे, ये दिलेरी के साथ हैकल की तरफ रुख करते थे, ये जानते थे कि खुदा से दुआ करने वाले को खुदा माफी देता है, ब्लेसिंग देता है। ये कौम की हैसियत से तो ये असीरी के अंदर है, पर इंसानी तौर पर जब ये हैकल की तरफ रुख करके दुआ करते हैं तो यही वजह है कि डैनियल वहां सरफराजी हासिल करता है, और डैनियल को खुदा ने बेशुमार रोयतें दी, बेशुमार विजन दिए एंड टाइम के हवाला से, मसाया की जजमेंट के हवाला से, मुखालफ मसीह के दौर के हवाला से, खुदा ने डैनियल के ऊपर इस कदर विजन अया कर दिए क्योंकि वो खुदा के हजूर जानता था कि वो माफी देने वाला खुदा है। और फिर वो माफी के लिए खुदा के हजूर ये कहता है, जब कौम के सीरी के साल खत्म हो जाते हैं तो वो ये कहता है कि खुदा कुछ कर, यानी इस कौम को माफ कर दे, उनके गुनाह का इकरार करता है और खुदा माफ करने वाला, उनकी रिहाई वकू के अंदर आती है। तो ये डैनियल जानता था कि सुलेमान ने जो अहद बांधा है खुदा के हुजूर कि वो माफ करने वाला है, तो वो जो माफी को जान जाते हैं वही माफी मांगते हैं और वही रखनों में खड़े होते हैं और वही शिफायती दुआ करते हैं। तो डैनियल भी जो फॉरगिवनेस के इस रेवलेशन को जानता था, सुलेमान की तरह दाऊद भी जानता था, मूसा भी जानता था, नहमिया भी जानता था, अज़रा भी जानता था। तो उन लोगों को खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और ज़रुब्बाबेल की क्यादत के अंदर हैकल को रीबिल्ड कर दिया। और जब हम सुलेमान की जात के हवाले से, जो खुद अहद मानता है कि अगर कोई शख्स गुनाह करे या कौम गुनाह करे और तुझसे माफी मांगे और तू उनको माफ कर देना, अब जब हम सुलेमान की जात के अंदर देखते हैं तो वो खुदा के साथ बराबर चलता रहा, पर जब गैर कौम की बेटियों के साथ उसने शादियां कर ली तो वो अपने देवताओं की तरफ उनको ले गए। तो यूं सुलेमान की जिंदगी के अंदर गुनाह ने जगह ले ली और खुदा सुलेमान से नाराज होता है, पर चूंकि सुलेमान खुदा को जानता है,
सुलेमान ने अहद बांध रखा था कि अगर कोई हैकर की तरफ रुख करके दुआ करे तो उसका गुनाह माफ कर देना। तो सुलेमान की जिंदगी के अंदर देखते हैं अगर बरगश्तगी आई, अगर गुनाह उसकी जिंदगी के अंदर आया, पर वो गुनाह से निकल गया क्योंकि वो जानता था खुदा माफ करने वाला है और खुदा के हुजूर उसने माफी मांगी, तलबगार हुआ और वो ये इकरार करता है कि वो खुदा के हुजूर वो खालिस दिल से चलेगा। और वाइस की किताब के अंदर हम देखते हैं कि उसकी बहाली हमें नजर आती है और उसने इम्साल की किताब लिखी, गजो गजरात उसने लिखी, खुदा के साथ चलता रहा। पर उसका जो गुनाह का माफ किया जाना है वो इम्साल की किताब के अंदर लिखता है कि जो अपने गुनाह का इकरार करके उसे तर्क करता है उसके ऊपर खुदा की रहमत होती है। तो ये प्रॉब जो इम्साल के अंदर है सुलेमान ने लिखी है वो फॉरगिवनेस के मुकाशवा को जानता है, खुदा ने उसको बहाल किया, माफ किया। तो माने जो हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बाप की जात के हवाला से फॉरगिवनेस का जो रेवलेशन यहां मैं दे रहा हूं कि खुदा के हुजूर माफी पाई जाती है, यानी वो यहोवा माफी है, गॉड ऑफ फॉरगिवनेस है। और पेट्रोलॉजी के अंदर कौम को इंफरादी तौर को दाऊद को सुलेमान को माफ करता रहा, पर नहमिया ये ऐलान करता है, वो कहता है कौम के गुनाह का इकरार करते वक्त लीडर्स के साथ मिलकर ये कहता है कि खुदा रहीम और करीम माफ करने को तैयार, यानी हमेशा ही माफ करता है। तो खुदा से जो माफी मांगे तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर उसे माफ किया, पर खुदा का प्रोग्राम जो एटर्नल फॉरगिवनेस के हवाला से था जिसके अंदर वो अबदी मखलसी अबदी छुटकारा देता है, वो अपने बेटे के हवाला से उसने प्रोग्राम बना रखा था, यानी यहोवा सेलिकोट है। इसी तरह यहोवा बाप की जात, और जब हम दूसरे ग्रूम क्राइस्ट की बात करते हैं यानी खुदा के बेटे की, इस दुनिया में आया, उसने जहान के गुनाह को माफ किया, उसके अंदर जो माफी पाई जाती है यानी यसुम से खुदा का बेटा, वो भी यहोवा एल सेलिकोट है, यानी यहोवा खुदाए माफी है, बाप भी और इसी तरह खुदा का बेटा। जो पालूस कहता है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है, यानी ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर अगर माफी थी शरीयत से पहले जो मिस्र से रिहाई दी तो माफ तो किया पर उनको हलाक भी किया, यानी वक्ती तौर पर उनको माफ कर दिया। अगर शरीयत के अंदर माफी मिली तो वो खता की कुर्बानी जुर्म की कुर्बानी के अंदर एक साल की माफी, पर अबदी माफी के लिए खुदा का बेटा इस दुनिया में खुदा ही ने भेजा, यानी खुदा के अंदर जो माफी पाई जाती है देना, ये माफी देता है वो एक्चुअली अपने बेटे ही के जरिए से एटर्नल फॉरगिवनेस देना है जिसमें यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है, यानी खून का बहाया जाना इसमें जरूर होता है। और ये शरीयत के अंदर कुर्बानियों के अंदर खता और जुर्म की कुर्बानी के अंदर कफारा की राह से मिलता है, पर आम माफी और जो खून के साथ माफी है इसमें फर्क पाया जाता है। खून के साथ माफी अबदी माफी है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाजन आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। पर्सेमन बिलीव विजडम गॉड की क्लीसिया बाइबल स्टूडेंट, अहम रेवलेशन यहोवा एल सेलिकोट के हवाला से, यहोवा बाप की जात खुदाए माफी है यानी गॉड ऑफ फॉरगिवनेस। ये इतना बड़ा रेवलेशन और तफसील जो मैंने ओल्ड टेस्टमेंट के हवाला से बताई कि कौम को जब उन्होंने गुनाह किया तो वो किस तरह माफ किया और अपने नाम की खातर उनको माफी दी और मिस्र से निकाला, पर अगर उन्होंने फिर बुत परस्ती की तो फिर उनको वहां पर हलाक करना चाहता था, पर खुदा के हजूर जब मूसा शिफायत करता है कि इनको जाने दे मुल्क कनान में तो खुदा जाने तो देता है पर बियाबान के अंदर माफ कर देता है, तो वक्ती तौर पर माफी मिल जाती है। तो वक्ती तौर पर माफी मिलना और दाऊद को माफी मिलना और वो ये इकरार करता है कि सजा तो उसको नहीं मिलती पर उसकी खता की माफी हो जाती है, और वो ये कहता है कि मैंने अपने गुनाह का इकरार किया खता का और खुदा ने मुझे माफी दी, तो वो भी माफी को जानता है। सुलेमान माफी का अहद फॉरगिवनेस का बांधता है कि अगर कोई रुक करके दुआ करे तो माफ कर देना, वो ये सारी बेस को जानता है यहोवा बाप की जात में, और खुद भी जब बैकस्लाइडर होता है तो माफी मांगने पर खुदा उसको माफ करता है। तो खुदा माफी ही देता आया है, पर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जब हम माफी के दर्जों को देखते हैं तो कुर्बानियों के अंदर माफी एक साल की
वो तिथि या डेली भी जो उनको माफी मिलती वो कफारा की राह से एक साल के लिए माफी थी, तो योम कफारा के ऊपर जो सेक्रीफाइस कौम के लिए दी जाती। इसलिए पालूस कहता है बगैर खून बहाए माफी नहीं है, ये बाप गॉड ऑफ फॉरगिवनेस है। उसके अंदर जो माफी का कॉन्सेप्ट या एजुकेशन तालीम पाई जाती है, वो जो माफी देना चाहता है वो माफी उसके अंदर खून का बहाया जाना जरूरी है। तो ये खून का बहाया जाना जजमेंट कहलाता है, यानी जजमेंट की राह से सजा वो देता है पर माफ भी करता है। तो ओल्ड टेस्टमेंट के तो माफी तो मिली पर सजा भी मिली, जब न्यू टेस्टमेंट में आते हैं तो मुझे आपको भी माफी तो मिली पर सजा भी मिली, पर ये सजा मुझे आपको इंफरादी तौर पर नहीं मिली, मसीह ने मेरी आग की सजा को उठा लिया, सारी दुनिया की सजा को उठा लिया। तो ये बहुत बड़ा मुकाशवा है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं होती, यानी माफी की जो तालीम है, जो फॉरगिवनेस की तालीम है, इसके अंदर जजमेंट का होना जरूरी है, यानी सजा का भी मिलना है। तो वो मुजरिम को हरगिज बरी नहीं करता, खता को बख्श देता है वक्ती तौर पर या एक साल के लिए माफ कर देता है, पर अबदी माफी हमेशा के लिए माफी जो है ये उसी को मिलती है जो क्राइस्ट को जान जाता है। या वह बाप की जात के अंदर माफी का यही कॉन्सेप्ट है कि उसे अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि कौम गैर कौम सबको माफ कर दे जो ईमान लाए, यानी ये ईमान ये है कि मेरी आपकी खता दुनिया की खता मसीह ले गया है, यानी मेरी आपकी जजमेंट मसीह के ऊपर हुई है। तो बगैर खून बहाए माफी नहीं, मेरा आपका खून बहाया मसीह में खून बहाया गया है, यानी मसीह ने जान कुर्बान की है, मसीह का कफारे का ब्लड ये ऐलान करता है इस पर ईमान लाने वाला माफी पा जाएगा कि उसकी खता ढांप दी गई है, यानी उसको सजा मिल गई है, यानी फॉरगिवनेस जजमेंट के थ्रू ही वकू के अंदर आती है पर ईमान की राह से आती है। तो बिलीवर्स इतना अहम रेवलेशन है, जब हम यहोवा बाप की जात को गॉड ऑफ फॉरगिवनेस कहते हैं और बेटा गॉड ऑफ फॉरगिवनेस है, यानी यहोवा एल शलीकोट है, तो इसका मानी यह है कि बाप माफ करता है पर माफ करता है सजा भी देता है। तो जब बेटे के जरिए से माफी दे रहा है तो हमारे गुनाह की माफी के लिए उसके ऊपर पनिशमेंट आई है, उसने हल उठाई है, उसे हमारी तकसीरें हमारे खताएं उठाई हैं। और ये साया 53 बाप के अंदर यही लिखा है कि वो हमारी खताओं के बाइस घायल किया गया और हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। और जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर कुर्बान हो रहा था तो सलीब के ऊपर ये साया 53 बाप का जो रेफरेंस था, जो प्रोफेसी वहां पर लिखी थी कि उसने खताकारों की शिफायत की, तो ये खताकारों की शिफायत क्रॉस के ऊपर यीशु मसीह कहता है ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, यानी माफी के लिए वहां पर खुदा का बेटा ऐलान कर रहा है क्योंकि खुदा का बेटा खुद यहोवा एल शलीकोट है, यानी वो भी माफी देने वाला है, पर वो बाप से कहता है माफ कर, क्योंकि पैट्रोलॉजी में हम ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि बाप यहोवा माफ करता है, तो बाप यहोवा ही माफ करता है पर बेटे के जरिए से। तो बेटा बाप से कहता है इनको माफ कर दे, पर उनके माफी के लिए ये खून का बहाया जाना जरूरी है जो यीशु मसीह बहा रहा है, यानी यीशु मसीह की जान कुर्बान होने से पहले जब वो ऐलान कर रहा है तो एक्चुअली यही कह रहा है कि मैं इनके लिए जान कुर्बान कर रहा हूं क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं है, इनकी माफी इनका गुनाह इनकी माफी माफ कर दे क्योंकि मैं अपना खून बहा रहा हूं। तो हमारे पास जो तालीम बाइबल मुकद्दस में आ रही है कि माफी कोई इतना आसान काम नहीं है कि कोई गुनाह करे और माफी मांगे और उसको माफी मिल गई, जब तक यीशु मसीह के कफारे पर ईमान ना हो कि यीशु मसीह में हमारी खता हमारी सजा मसीह ने उठा ली और हमें पाक कर दिया, यानी हमारी खताएं गुनाह जाते रहे, हमारी तकसीरें जाते रहे, गोया यहोवा ने ही हमें माफ किया है क्योंकि हम ईमान लाए हैं, तो गोया बगैर खून बहाए माफी नहीं है। तो खता कफारा के राह से जो ओल्ड टेस्टमेंट में कुर्बानियां होती थी तो खून का बहाया जाना तो जाकर माफी एक साल के लिए वकूक के अंदर आती, पर अबदी माफी के लिए अबदी छुटकारे के लिए अबदी खलासी के लिए सुम से खुदा का बेटा उसने अपनी जान कुर्बान की है
और जो ना अपने खत के अंदर ये कहता है कि अगर कोई दुनिया में गुनाह करता है तुम्हारा एक मददगार आसमान पर यीशु मसीह जो माफ करता है तो वो माफ आज भी करता है, यानी जो उसके कफारे पर ईमान रखता है, क्योंकि खून बहाए बगैर माफी नहीं। पर अगर कोई वैसे ही माफी मांगता है एक दूसरे से, कोई उसे खता हो जाती है, तो ये इखलाकन माफी का मांगा जाना है जिसके अंदर ये तालीम खतों में दी गई है और क्राइस्ट ने खुद तालीम दी है कि माफ करोगे तो माफ किए जाओगे। अगर तुम दूसरे के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे भी कसूर माफ किए जाएंगे। लॉर्ड्स प्रेयर के अंदर यही है कि जब हम बाप से दुआ करते हैं कि जिस तरह मैं अपने कसूरवारों को माफ करता हूं तू भी मेरे कसूर मुझे माफ कर, तो ये कसूरों को माफ करना, कसूर माफ करना, तो ये फॉरगिवनेस की तालीम है। तो यीशु मसीह ने तो हमें माफी देने के लिए खून बहाया, पर जब हम किसी दूसरे को माफ करते हैं तो इसमें खून बहाया जाने की बात नहीं आ रही, इसके अंदर बात माफी की है। मगर चूंकि माफ वही कर सकता है जो कफारे को जानता है, जो मसीह के ब्लड को जानता है, जो खुदा की मर्सी को जानता है, वही दूसरे को माफ करेगा। तो अगर हम माफ नहीं करते तो हम माफी को नहीं जानते, वो लोग माफी हासिल कर नहीं पाते जो माफ करना नहीं जानते, और जो माफ करना जानते हैं इसलिए कि वो माफी को खुद रिसीव कर चुके हैं यीशु मसीह से। इसीलिए खतों में लिखा कि एक दूसरे के खता, एक दूसरे के गुनाह माफ कर, तो पर उस कलीसियाओं के ऊपर ये जोर देता आया है कि हम एक दूसरे को हमेशा माफ करें, क्योंकि खुदा यहोवा माफ करता है, बेटा माफ करता है, तो कलीसिया मुकद्दसों को भी एक दूसरे के खताएं माफ करनी चाहिए। तो वो माफ करेंगे जिनको मालूम है कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है। तो यानी हमारा माफ करने के पीछे रूट यही है कि हम यीशु मसीह के कफारे को जानते हैं। पर जब हम माफ करते हैं तो बुरी रूह दूसरे से अलग होती है और वो भी मसीह पर ईमान लाता है और उसके कफारे पर, तो माफी हुकूम के अंदर आती है। मगर हम अपने एंड से जब किसी को माफ करते हैं तो एक्चुअली ऐलान करते हैं कि बाप यहोवा की जात के अंदर माफी है, बेटे की जात के अंदर माफी है, और उसके लिए पालक बेटे बेटियां भी उसी तरह माफ करते हैं, क्योंकि वो नेचर हमारे अंदर आ जाती है। पतरस जब यीशु मसीह के पास आता है कि अगर कोई भाई खता करे तो कितनी दफा माफ करना चाहिए, तो मसीह ने कहा 7 के 70 बार, यानी 70 का मतलब है 490, इसका ये प्रोवर्ब है, इसका मतलब है हमेशा ही माफ करना है। जब भी कोई खता करे हमें हमेशा ही माफ करना है। इसी तरह खुदा भी ओल्ड टेस्टमेंट में जब कोई खता करता वो माफ कर देता, बेशक सजा भी देता। न्यू टेस्टमेंट के अंदर वो माफी देता अपने बेटे के जरिए से, पर अवधि माफी दे देता। और आज भी कोई जब भी खुदा के हजूर आएगा, खता उससे हो जाती तो वो अपना पांव धोता है, माफी मांगता है, तो यहोवा बाप अपने बेटे यीशु के खून के बाइस उसको माफ कर देता है। यानी कफारे के अंदर ब्लड के नीचे जब हम आ जाते हैं उस कवरिंग के नीचे से, तो बाप माफ करता है। तो ये माफी जो पाई जाती है, तो लिखा बगैर खून बहाए माफी नहीं, तो हर चीज की जो पाकिजगी है ये ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर खून बहाने से होती। तो पॉलुस कहता है हेवन की चीजों को भी बगैर खून के पाक नहीं किया गया, यानी ब्लड जो क्राइस्ट का है वो हेवन की चीजों को भी पाक करता है, तो हमारे गुनाहों को कैसे ना पाक करेगा। तो जो यीशु मसीह के खून से माफी है, हमें ये बताती है कि खुदा बहुत रहीम है, खुदा का बेटा यहोवा एल सेलिकोट है जो हमें माफी देता है, गॉड ऑफ फॉरगिवनेस है। इसलिए हमें भी एक दूसरे को हमेशा माफ करते रहना चाहिए। माफी ही हमें मसीह के पैगाम को आगे फैलाने के लिए, यानी फजल की तालीम को आगे फैलाते चले जाए। तो क्राइस्ट के अंदर ये खून बहाने से माफी का जो तालीम हमारे सामने आती है, तो जब हम यहोवा एल सेलिकोट कहते हैं तो बाप की जात के अंदर बेटे के अंदर ये माफी पाई जाती है। पर ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर कुर्बानियों किरा से जो साल में एक बार माफी मिलती खता और जुर्म की कुर्बानी के अंदर, पर अगर कोई ऐसे ही माफी मांगता था तो वो दरगुजर तो कर जाता पर सजा पाता, पर कुर्बानियों की राह से यानी वहां खून बहाया जाता तो एक साल के लिए माफी हुकूम के अंदर आती। पर यीशु के खून बहाने से हमारी अवधि मखलसी, हमें अवधि छुटकारा माफी मिल गई है। और जब ये माफी मिल गई है
तो हमें भी एक दूसरे को माफ करना चाहिए और इस माफी की तालीम को आम करना चाहिए और ये ऐलान करें कि बाप की जात के अंदर भी माफी है, बेटे की जात में भी, और होली स्पिरिट जो हमें मिला है हमें मसीह की बाबत सिखाता है और हम एक दूसरे को माफ करके उस यहोवा बाप के इस एटीट्यूड को आम करते हैं कि हमें माफी करना है क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर हमें माफ किया है, हमें माफी दी है। इस माफी को लेकर हम हमेशा पाकिजगी और रासबाजी में उम्र भर उसकी इबादत करते रहे और बाकी दुनिया के अंदर जो ब्लेसिंग है तभी वकूक के अंदर आती है जब गुनाह जिंदगी से हट जाता है तो बाप की शफकत का हाथ अपने बच्चों पर बढ़ जाता है। और पल उसके अंदर जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। इसलिए हमें पीसफुल लाइफ बसर करनी चाहिए, कलीसियाओं के अंदर रिफाकत करनी चाहिए, स्पिरिट ट्रुथ के साथ इबादत वर्शिप करनी चाहिए और नीम गर्म हालत से निकलकर हमेशा सरगर्मी की हालत में कलीसियाओं के अंदर इबादत करने वाले हो और दुनियादारी से बचे। जब माफी का इतना बड़ा ऐलान है तो इस दुनिया के अंदर कोई माफी देता है उसमें कफारा नहीं होता। कोई अगर लीडर कोई माफ करता है मुल्कों के अंदर कैदियों को या किसी और शख्स को उसमें कफारा का मानी नहीं होता, वो एक आम माफी होती है जो वो कफारे को नहीं समझते। जो यीशु मसीह ने माफी का ऐलान किया है ये माफी दुनिया की लीडरों वाली माफी नहीं है, इसमें खून बहाया गया है यानी हमारे गुनाह की सजा को उठाया गया है। कफारे के अंदर पाक खून ने हमारा रैंसम दिया है जिसकी वजह से ये माफी वकूक के अंदर आई है और बगैर खून बहाए माफी ने हमेशा याद रखें और फिर गुनाह करने वाले ना हो। और यह बाकी एट्रीब्यूट जो यहोवा गॉड ऑफ फॉरगिवनेस है उसकी वजह से यीशु मसीह में मुझे आपको सारी दुनिया को माफी मिली है और इसलिए हम अपने बाप की वर्शिप करते हैं जो गॉड ऑफ फॉरगिवनेस है। तो पास्टर सैमन आपके साथ मिलकर टेंपल गॉड की क्लिस आपके साथ मिलकर जर्सिंग टाइम में टीओजी चैनल के ऊपर दाऊद की इस आयत के साथ ए खुदा मुझे अपने फरमान के राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि यहोवा एल सेलिकॉट के हवाले से थी अपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन ने न्यू सीरीज का आगाज किया है जो कि स्पिरिट एंड ट्रूथ के हवाले से है जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिल की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी क्लिसों से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0300-947-6405 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और एक साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच और एमडीव की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक की खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशवात और बेरो से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।